व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ बेल्जुबेब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में अगर मेरा गला थोड़ा सा खराब लगे तो इसे इग्नोर करना, क्योंकि पूरा दिन मैं चिल्ला रहा था। तो मैंने बहुत दिन से कोई भी कमेंट पिक नहीं किया अपने एपिसोड्स में। अगर कमेंट नहीं पिक करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब सूखा सूखा सा लगता है। तो आज मैंने बहुत सारे कमेंट पिक किए आप लोगों के। तो पहला कमेंट करता है कुमकुम और वंदना, दोनों ने कहा है भाई आई एम योर फर्स्ट व्यूअर ब्रो, मज़ा आ गया। अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि किसने पहले कमेंट किया, तो जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया दोनों का कमेंट एकदम से आ गया, तो मुझे भी समझ में नहीं आया। एंड आई गेस यू बोथ आर द फर्स्ट व्यूअर। तो सेकेंड कमेंट करता है एल, भाई ने कहा है अटैक ऑन टाइटन का एक्सप्लेनेशन करो। तो देखो, मैं अटैक ऑन टाइटन का एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे तगड़ी तगड़ी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि अटैक ऑन टाइटन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। मैं एक चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका नाम है मिस डीमन एक्सप्लेनेशन। वो भी अटैक ऑन टाइटन के सारे एपिसोड और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन कर चुका है और कर भी रहा है, तो उसका चैनल ज़रूर चेकआउट कर लेना। और थर्ड कमेंट करता है 02, भाई ने तो कमेंट सेक्शन में आग ही लगा दी। उसने पहले थैंक यू की बरसात कर दी, थैंक यू तुम्हें नहीं मुझे कहना चाहिए तुमसे और सब लोगों से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और इसने एक और कमेंट किया यू नॉट गो टू एनी मोर, मतलब इससे पता चलता है कि आप मेरे वीडियोस एंड तक देखते हो। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग भी एंड तक हमारे वीडियोस देखता है। और हाँ, मुझे इस कमेंट सेक्शन में तुम सब लोगों का नाम चाहिए। सब लोग अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना अपना रियल नाम लिखो, मुझे जानना है कि तुम लोगों का नाम क्या है। और हाँ, मैं इस वीडियो से भी रैंडम कमेंट चूज़ करूँगा और अगली वीडियो में फीचर करूँगा, तो कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो दो लड़की कुनियादे के साथ रहता है हमेशा से। और उसमें से एक लड़की कहती है कि अब हम लोग कुनियादे के ऊपर अब ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लगता है वो किसी के प्यार में गिर गया है और ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि फुरुची बहुत ज़्यादा गुस्सा है ओगा के ऊपर और उसे बहुत ज़्यादा भला बुरा कहता है। तो ओगा कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तो फुरुची कहता है क्या हुआ है, तू ऐसा मत दिखा कि तू कुछ नहीं जानता, तूने पहले एक लड़की को कब्जा करके रखा है हिल्दा, और अब तू क्वीन के ऊपर अपना हक जमाना चाहता है, तू एक साथ कितने सारे लड़कियों के साथ लाइन मारना चाहता है। तो ओगा कहता है कि तू मुझे अपने तरह मत समझा कर, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। उसके बाद ओगा और कहता है कि तूने नोटिस नहीं किया कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल और बैडएस है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि बेल्जेबूब भी उसे पसंद करने लग गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बेल्जेबूब को उसके हवाले कर दूंगी और मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? और ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कुछ भी बोलो उसके इस हंसी पे उसके सारे फैंस फिदा है। जब ओगा हंस रहा होता है तब उसके पीछे से हिल्दा आता है और आने के बाद कहता है कि ये लो बेल्जेबूब का खाना जो कि तुम घर पे ही भूल आए थे। और उसके अगले ही सीन में दिखाता है कि कुनियादे के साथ जो लड़की होती है वो कुनियादे को क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे सीधा सीधा आंसर देना कि तुम ओगा के बारे में क्या सोचते हो। तो कुनियादा के गाल लाल हो जाता है, कहता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचता उसके बारे में। तो वो लड़की कहती है कि तुम सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे आंखों में देख सकता हूँ कि तुम उसके लिए पागल हो, तुम उसके प्यार में पागल हो चुके हो। तो कुनियादा कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने जब कल मुझे उसके बच्चे की माँ बनने के लिए बोला था तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया, मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। और कुनियादा ये सब कहते कहते फिर से अपने दुनिया में खो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ओगा जो है वो इतना ख़राब आदमी है, मुझे लगता है उसका जो छोटा सा बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी माँ बनना चाहता हूँ, उसके लिए भी प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर टाइमिंग होता है, सब कुछ देख के करना पड़ता है, मैं तो अभी हाई स्कूल में हूँ, अभी मैं कैसे माँ बन सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम मुझे ये मत बताना कि तुम हमारे रूल भूल गए हो कि हमारे टीम में कोई भी लड़का नहीं आ सकता, कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रख सकता, वरना हमारा टीम टूट जाएगा, उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियादा को होश आता है, वो कहता है कि हाँ मैं इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो और मैं उससे प्यार भी नहीं करता। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में दिखाता है कि हिल्दा बेल्जेबूब को दूध पिला रहा होता है, मतलब बोतल का दूध पिला रहा होता है। गलत सीन अपने दिमाग से निकाल दो यार। और इसे देखने के बाद तुम लोगों को जैसे ही गलत सीन फुरुची के दिमाग में चलता है और वो सोचता है कि काश कि मुझे भी वो अपने गोद में बैठा के अपना दूध पिलाता, मतलब अपने बोतल का दूध पिलाता। यार मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ।
और फुरुशी जब ये सब गलत सीन वाले सपने देख रहा होता है, उसके सर में कोई वार करता है, तो वो कहता है किसने मुझे मारा बे, तो दिखाता है कि वहाँ पर 5 आदमियों का एक ग्रुप आके खड़ा हुआ है, और वो कहता है कि मैं तो ओगा के दीदी को मारना चाहता था लेकिन तुम्हें लग गया। उसके बाद दिखाता है कि उस स्कूल के सेकेंड फ्लोर पर बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं और वो लोग कहते हैं ये तो MK5 है, मेज और मूड किलर, ये तो बहुत ही खतरनाक लोग है, कभी भी कोई भी इसके साथ पंगा नहीं लेते। और उसके बाद वो MK5 वाले बंदे कहते हैं कि इस इशियामा हाई स्कूल का अब कोई भी लीडर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं इसे कब्जा करने के लिए। और जब वो लोग डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं तब दिखाता है कि उनके पीछे ऑलरेडी हिल्दा पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद एक एक को पकड़ के बेलता है और सबको लेटा देता है। तो हिल्दा का इतना खतरनाक फाइट देखने के बाद उनमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागने वाला होता है, लेकिन वो बंदा ओगा के हत्थे चढ़ जाता है। और माँ कसम ओगा इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था ना, रात के 2 बजे बैठ के वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो गया। और उसके बाद ओगा ने एक ही हिट से उस बंदे को नॉकआउट कर दिया, उसका दांत भी तोड़ दिया। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियादा और उसका गैंग सेकेंड फ्लोर से जा रहा होता है, तो वो लोग देख के वहाँ पर रुकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद कुनियादा ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, उसका नज़र MK5 के ऊपर नहीं जाता, ओगा के ऊपर भी नहीं जाता, वो सीधा देखता है हिल्दा को और वो सोचता है कि कौन है ये लड़की। मतलब पिक्चरों में दिखाता है ना, किसी लड़की को किसी और लड़के के ऊपर क्रश होता है, लेकिन वो लड़का जब किसी और लड़की से मिलता है उसकी जलती है, मतलब उसी तरह का कुछ सीन होता है यहाँ पर। तो वहाँ पर जो लॉन्डे होते हैं वो लोग कहते हैं कि देखो कितना ज़्यादा खतरनाक तगड़ा और पावरफुल हस्बैंड वाइफ का टीम है, और वो सुनने के बाद कुनियादा को और भी जलन होता है और वो कहता है कि हस्बैंड वाइफ का टीम, और उसके बाद उस लड़के के ऊपर ही वो बार कर देता है गुस्से में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ये देखने के बाद। और इसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगार कुरुजी अकेले बात करते करते जा रहा होता है, तो एक लड़का आता है, कहता है कि तुम्हारा फाइट तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या तुमने अपने आप ही खुद को डिसाइड कर लिया कि तुम विनर हो, क्योंकि हमारा क्वीन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियादा के जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत वहाँ पर आते हैं, आने के बाद ओगा को कहता है कि तुम हमारे साथ जा रहे हो, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन पे दिखाता है कि हिल्दा सीधा पहुँच जाता है कुनियादा के पास और उसे कहता है कि तुम ही कुनियादा हो, और कुनियादा जब हिल्दा को देखता है वो भी पहचान जाती है कि ये ओगा का वाइफ है। और उसके बाद कुनियादा सोचता है कि क्या इसे पता चल गया है ओगा ने जो ऑफर दिया था मुझे उसके बारे में। और उसके बाद हिल्दा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कर सकते हो ये, तो कुनियादा कहता है नहीं तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बस उसने सडनली मुझे उसके माँ बनने के लिए बोल दिया था। और उसके बाद हिल्दा कहता है कि यह सब छोड़ो, अभी मेरे साथ फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा कैपेबल हो। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, और उसे देखने के बाद कुनियादा भी कहता है लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं, तो वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा बहुत ही सुपर स्पीड से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन कुनियादा उसके हमला को रोक लेता है। और उसके बाद हिल्दा उसके पीछे से हमला करने वाला होता है कि देखता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं, और उसके बाद दिखाता है कि कुनियादा उसके पीछे आ गया है और उसे हमला कर देता है, लेकिन हिल्दा वहाँ पर ट्रिक करके बच जाती है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा भी उसके पीछे और उसके ऊपर एक खतरनाक सा बार करता है, और वो बार जब ख़त्म होता है उसके बाद दिखाता है कि कुनियादा बहुत मुश्किल से उस बार को डॉच करता है। तो हिल्दा उसे कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम ओगा जैसे इतना पावरफुल नहीं हो, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो जब वहाँ से चली जाती है तब एक लड़की आती है, आने के बाद कुनियादा को खबर देता है कि तुम्हारा जो दो साथी है उन दोनों के ऊपर ओगा ने हमला कर दिया और वो दोनों अभी बेहोश है, तो जल्दी से जल्दी चलो वहाँ पर। और उसके बाद वो जाके देखता है कि वो दोनों अनकॉन्शियस है और सब लोग कह रहे थे कि ओगा ने उसे मारा है। और एक लड़की को पूछती है कि किसने उसे मारा है, तो वो लड़की कहती है कि मैंने सुना था वो लोग ओगा के साथ बात करने के लिए गया है। तो कुनियादा समझ जाता है कि क्या हुआ था। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और कुनियादा उस स्कूल के छत पे है और कुनियादा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन ओगा को ये सब पता ही नहीं है। तो कुनियादा ओगा को कहता है अगर तुम मुझको एम करना चाहते हो तो सीधा मेरे पास आओ, किसी और के पास मत जाओ। तो ओगा वो उसके बच्चे के बारे में सोच रहा था, कहता है कि ये लो, अगर तुम बेल्जुबेब को लेना चाहते हो तो तुम अभी ले सकते हो। तो कुनियादा कहता है कि यार तुम पागल हो, तुम ऐसे पोजीशन पे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, और अभी भी तुम इस बच्चे के पीछे छुप रहे हो, कितना ज़्यादा कायर हो तुम। तो ओगा कहता है कि ओ तुम किसी भी काम फ्री में नहीं करना चाहते, तुम इसे भी फ्री में नहीं लेना चाहते। और उसके बाद कुनियादा कहता है कि तुमने उन दोनों को क्यों मारा है, लेकिन कुनियादा भी किसी का नाम नहीं लेता। इसके लिए ओगा को लगता है कि उसने कानाजाकी और हिमेकावा को मारा था, उन दोनों की बात कर रहा होता है। तो वो कहता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा वीक था और वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों को पेल दिया। और उसके बाद कुनियादा को आ जाता है खतरनाक वाला गुस्सा, और उसके बाद कुनियादा उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला कर देता है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। एक दूसरा
सीन ओपन होता है, जहाँ पर दिखाता है कि उन दोनों लड़की में से एक लड़की को होश आता है और वो सोचता है कि उसके ऊपर तो ओगा ने हमला नहीं किया था। वो लोग जब ओगा के साथ बातें करके आ रहा होता है, तब MK5 के कुछ बंदों ने उन दोनों को पकड़ के पेला है। तो वो लड़की पास में खड़ी हुई एक और लड़की को पूछता है कि कुनियदा कहाँ पर है। तो वो लड़की कहती है कि कुनियदा तुम लोगों के लिए ओगा से बदला लेने के लिए गया है और वो लोग फाइट कर रहा है। तो वो लड़की सोचती है कि हम लोगों को तो ट्रैप में फंसाया गया है। और उसके बाद वो सीधा दौड़ के उस छत पे जाने वाला होता है, लेकिन वो देखते हैं कि छत के एंट्रेंस में MK5 के सर के सारे बंदे बैठा हुआ है और वो उसे घुसने नहीं देता। और वो कहता है कि कैसा लगा, अब तो उन दोनों को फाइट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर से उन दोनों का फाइट सीन दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि कुनियदा ने जो बार किया था उससे ओगा को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसकी आंखों के साइड से खून निकलने लग जाता है। तो कुनियदा कहता है कि तुमने डिफेंस क्यों नहीं किया, तुमने अटैक क्यों नहीं किया। तो ओगा कुछ भी नहीं कहता। तो कुनियदा कहता है तुमने उन दोनों के साथ जो किया है उसका सजा तो इससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल तगड़ा शॉट देता है, मतलब खतरनाक सा बार करता है। तो नीचे सीढ़ियों पे जो MK5 वाले बंदे होते हैं वो उस लड़की को कहता है कि चलो अब तुम लोगों का खेल ख़त्म हो गया, वहाँ पर लगता है फाइट एंड हो गया है। और उसके बाद वो लोग उस लड़की को भी मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है, आके उसको बचा लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनियदा ने जो बार किया था उस बार के वजह से ओगा बेहोश हो जाता है। और उसके बाद पीछे से वो लड़की दौड़ते हुए उसके पास आती है, आने के बाद कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये मिस्टेक हो गया, उन लोगों ने हम लोगों को ट्रैप में फंसा लिया है, ओगा ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया था, हमारे ऊपर हमला किया था MK5 वाले बंदों ने। और दिखाता है कि तभी पीछे से MK5 का लीडर आ जाता है, आने के बाद कुनियदा को कहता है कि चेकमेट, मैं जीत गए ये वाला मैच, तुम दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल थे तो मैंने तुम दोनों को ही आपस में गिरा दिया और उसके बाद तुमने उसके ऊपर ही हमला किया जिसे तुम प्यार करते हो, क्या मज़ा आ रहा था तुम लोगों की फाइट देखने में। और उसके बाद वो कहता है कि अभी तो तुम भी बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो और अगर अब मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें भी मार गिरा सकता हूँ, और ये इशियामा हाई स्कूल तो अब मेरा हो गया। और उसके बाद एक अलग ही सीन होता है और उसके बाद दिखाता है कि ओगा को होश आ गया है और ओगा बाहर से कूद के सीधा उस MK5 के लीडर के पीछे आ जाता है। और माँ कसम पूरा पैसा वसूल सीन है, इतना ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, क्या बताऊँ। और उसके बाद ओगा के हाथ में जो जिबुल स्पेल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ओगा का आवाज़ सुनने के बाद उसकी पैंट पहले ही गिली हो जाती है। और ओगा उसके सर में हाथ रखता है और उसको ज़मीन में पटक के मारता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वो MK5 का लीडर फिर से उठता है, उठने के बाद कहता है कि तुम क्या हो, इंसान हो कि डीमन हो, तुम तो एक ही सेकंड पहले बेहोश पड़े थे, तुम में अब इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया, और तुम देखो तो मेरे फेस को क्या कर दिया। वो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो ओगा क्या करता है उसके सर पर फिर से हाथ रखता है और उसका मुँह फिर से ज़मीन में पटक देता है। और उसके बाद कुनियदा को दिखाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि वो सोच रहा था कि मेरे इतने ज़्यादा खतरनाक बार के बाद भी ओगा फिर से आ गया है और उसमें इतना ज़्यादा ताकत आ गया है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा उसके सर को बार 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 ज़मीन में पटक रहा होता है और पटकते पटकते उसे आधा ज़मीन में गाड़ देता है। उसके बाद ओगा उठता है, उठने के बाद कहता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे बीच में जो चल रहा था। तो वो लड़की कहती है नहीं मैं पहले ही हार गई हूँ, अब तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया और जो कहा। तो ओगा क्या करता है, बेल्जबूक को सामने की तरफ लाता है, कहता है ये लो इसे ले लो। तो इसे देखने के बाद कुनियदा भी कहता है ये क्या पागल है क्या। और ओगा कहता है कि तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे बार को झेल गया तो तुम इसे ले लोगे। तो वो लड़की कहती है कि मतलब कुनियदा कहता है कि ये रूल कहाँ से है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बताया था। तो ओगा कहता है कि नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद हिल्दा को दिखाता है कि हिल्दा भी ओगा और उसके फाइट को देख रहा था और हिल्दा कहता है कि मुझे इन सब लड़कों से सख्त नफरत है जो लोग लड़की के ऊपर हाथ नहीं उतारते, लड़की बोल के उसे छोड़ देता है। मतलब यहाँ पर हिल्दा को भी जलन हो रहा है लेकिन उसे पता नहीं है आगे जाके होगा, मुझे पता है ऐसे सीन में ऐसा ही होता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा कहता है ये लो ये बच्चा अब तुम्हारा है। तो वो कहता है एक सेकंड रुक जाओ ये बच्चा तो तुम्हारा है। तो ओगा कहता है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो तो तुम्हारा तुम्हारे बीबी का बच्चा है। वो कहता है कि कौन मेरा बीबी। कुनियदा कहता है कि तुम्हारे साथ में जो घूमती रही थी बहुत ही खूबसूरत सुंदर देखने वाली लड़की। तो ओगा कहता है कि वो मेरे बीबी के आसपास भी नहीं, वो मेरा कोई भी नहीं है और इस बच्चे को मुझे फोर्सफुली बड़ा करना पड़ रहा है। तो कुनियदा पूछते हैं कि कौन है वो लड़की। तो ओगा कहता है मैं कैसे बताऊँ वो कौन है। तो कहता है कि वो एक अकामा है। और कुनियदा कहता है कि अकामा, जिन लोगों को नहीं पता अकामा का मतलब क्या होता है, जापनीज में अकामा का मतलब होता है डीमन।
और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद बेल्जबूब को लेके कहता है कि चलो सब लोग घर चलो, यहाँ पर बैठ के टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुनिएदा उसे कहता है कि रुको, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती खुद के बच्चे को किसी और से फोर्सफुली बड़ा करा रहे हो। और उसके बाद हिल्दा ये बिल्कुल भी नहीं कहता है कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ और ये जो बच्चा है ये वो भी मेरा नहीं है। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओ और उसके बाद मुझसे फ़ाइट करो और उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, अगर ये वीडियो मैं रात को एडिट कर पाया तो तुम लोगों को सुबह सुबह मिल जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो तुम लोगों को बहुत देरी से मिलेगा, मतलब बहुत लेट मिलेगा, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और आज गला भी ठीक नहीं है इसके लिए आज थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगले दिन से अच्छा करने के लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।